आंखें बंद। गहरा श्वास भरे, गहरा श्वास छोड़े। मन टिकता हुआ, स्थिर, दृढ़ता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, सकल जगत के उत्पादक हैं। खुलेंगे और दोनों हाथ जंघाओं के मध्य में, उंगलियों का रुख शरीर की ओर, आंखें पूरी तरह से खोली, आंखें पूरी तरह से खोली हैं। ध्यान यहां पर हम बिंदी टिक्का लगाते हैं वहां पर, और जीभ को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालना, जीभ को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालना है। ध्यान भी तो जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं वो अपनी टांगों को पीछे लेकर जाएं, विश्राम, अपने वज्रासन में बैठे, श्वासों को सुमन्य करें, आंखें बंद करें, ध्यान श्वासों की ओर, जो हमने आसन किया उसका प्रभाव अपनी रीढ़ के ऊपर अनुभव करें। सजगता का केंद्र हमारा रीढ़ है, रीढ़ की सारी गोटी है, उसके ऊपर प्रभाव को अनुभव करें। सिंह अर्जुना इसका इसलिए नाम रखा गया है, जैसे बैठ के जो सिंह है, शेर है, बैठ के श्वास को निकालते हुए धीरे धीरे समान गति से नीचे एड़ी को खटकाना नहीं, धीरे से आसन पर टिकाएं, एड़ी के साथ एड़ी मिला लें, अब यही किया तो टांगे से श्वास को भरते हुए दोनों भुजाएं, दोनों टांगे समान गति से ऊपर, अपने मन पर नियंत्रण करते हुए समान गति से ऊपर लेकर जाएं, घुटनों से टांगे भी, घुटने से टांग सीधी रखने का प्रयास करें। श्वास को भरते हुए दाई टांग बाई भुजा समान गति से ऊपर ले जाएं। जिनको हर्निया का रोग है वो इस क्रिया को ना करें, या पेट में अल्सर है, दोनों एक दूसरे के समान होंगे, भुजा और टांग एक दूसरे के समान होंगे, कंधे को नीचे टका कर रखें, बड़ी आंख का ऊपरी भाग जो ऊपर की ओर जाता है, टांग और भुजा को धीरे धीरे टांगते हुए, जैसे जैसे श्वास भरे भुजा को टांगते हुए ऊपर ले जाएं। अंतिम स्थिति में पैर का अंगूठा पकड़े, खींचे, श्वास को सामान्य करके रुके, पेट के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव, उल्ले का जोड़ मेरा इससे प्रभाव में आता हुआ, महिलाओं की प्रसव क्रिया जो है वो इस आसन से सहज होती है। थोड़ा रुकने का प्रयास, घुटने से टांग सीधी, पैर का अंगूठा पकड़े, अगर नहीं पकड़ा जाता तो हाथ को स्लाइड करके टांग के ऊपर ले जाएं, टेढ़े ना हो, धीरे धीरे श्वास को निकालते हुए टांगे भुजाएं वहां पर ले जाएं, वहां की मांसपेशियां मेरी सशक्त बनती हुई है। थोड़ा रुकने का अभ्यास, घुटने से टांग बिल्कुल सीधी,
सबके इस पोजीशन में। प्यार के अंगूठे को पकड़े और खींचे अपनी ओर, श्वास को निकालते हुए धीरे धीरे टांग और भुजा को नीचे ले आए, पीठ के बल आ जाएंगे, आसन के मध्य में रहे, बिल्कुल सीधी, अंतिम स्थिति में पैर का अंगूठा पकड़े, प्रभु कहिए तो मन को बाजे बाजे आएगा, मन की साधना श्वास की साधना। प्रणय का अधिकारी वही है जिसने आश्रम के रास्ते दिए, ध्यान का अधिकारी वही है जो उससे बड़ी प्राणायाम करता है, उससे बड़ी बात आसन का अधिकारी वही है जो नित्य प्रति पैर मिलाएं, लिटा लें अपने पैरों को लिटाएं। कोमलता से आंखें खोलें। इससे कम होता हुआ रुकने का प्रयास, पेट के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव, भुजाएं और टांगे बिल्कुल 90 डिग्री पर, केवल मेरी रीढ़ शब्दों अनुसार रुकना, श्वास सामान्य रखते हुए धीरे धीरे वापस आए, एक बार माथा आसन पर सजीवता का केंद्र, मेरी कमर की मांसपेशियां श्वासों पर, हमारे जो शरीर के संपूर्ण स्थिति है, पूर्ण स्थिति, वो आधे चक्कर जैसे बन जाती है, इसलिए इसको अर्ध चक्कर आसन कहा जाता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर सीधा, विश्राम पांव में पांचला कर लीजिए, आंखें बंद रखें।
साथ ही साथ आपका कमर के ऊपर, रीढ़ के ऊपर प्रभाव आता हुआ, खासकर हमारा जो लंबा रीजन है, लंबा स्पॉन्डलाइटिस की प्रॉब्लम ठीक होती हुई, पाचन निष्कासन बढ़िया बनता हुआ, फेफड़े पुष्ट होते हुए हृदय पूरी तरह से। पांच तक गिनती करते हैं, श्वास को बाहर रोकें। फिर पांच तक गिनती दाई करते हैं, श्वास को भरें। दस तक गिनती करते हैं, श्वास को भरकर रोकें। पहली विधि में सिर्फ श्वास को भरना होता है, छोड़ना होता है, कोई कुंभक नहीं। तो दूसरी विधि है उसमें सिर्फ आंतरिक कुंभक है, बाह्य कुंभक नहीं है। तो तीसरी विधि है इसमें आंतरिक कुंभक भी है और बाह्य कुंभक भी है। मेरा परिवार स्वस्थ हो, मेरा समाज स्वस्थ हो, मेरा राष्ट्र स्वस्थ हो, अपने राष्ट्र को स्वस्थ रखने के लिए नित्य प्रति मेरा योग कक्षा में आना एक छोटी सी अभूति है। मेरी ड्यूटी भी है, मैं अपने राष्ट्र को स्वस्थ